नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा पूरक परीक्षा 2020 सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 के संदर्भ में विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा जारी सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा 2020 विस्तृत विज्ञप्ति के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के व्हाट्सएप ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जैसे वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, एग्जामिनेशन लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एग्जामिनेशन पोर्टल का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। विज्ञप्ति 30 दिसंबर 2020, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ सप्लीमेंट्री एग्जाम 2020 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा और क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 30 दिसंबर 2020। विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2020 में आयोजित की जाने वाली निम्नलिखित तालिका में वर्णित परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी पूरक परीक्षा योग्य घोषित हुए हैं, उनकी पूरक परीक्षा माह जनवरी 2021 में आयोजित किया जाना अपेक्षित है। पूरक परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2020 गुरुवार से ई मित्र कियोस्क एवं ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस बाबत विस्तृत अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट mdsuexam.org पर उपलब्ध रहेगी। इस संबंध में अंतिम तिथियां निम्न प्रकार है। अब हम बात करेंगे तिथियों के संदर्भ में। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना आरंभ होने की तिथि है 31 दिसंबर 2020। BA, BSc, BCom, पास ऑनर्स, BSc, गृह विज्ञान अंतिम वर्ष, यहाँ विशेष उल्लेख है अंतिम वर्ष। शुल्क की राशि देखें तो 610 रुपये यहाँ जमा कराने होंगे। बिना विलंब शुल्क के साथ हम 12 जनवरी 2021 तक जो आवेदन है कर सकते हैं। विलंब शुल्क 60 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और हम 13 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ हम 19 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। BPED तृतीय वर्ष, BSc BEd, BA BEd पाठ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ केवल RIE, इनका भी जो शुल्क रखा गया है 610 रुपये रखा गया है। बिना विलंब शुल्क के साथ ये भी 12 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं और 60 रुपये विलंब शुल्क के साथ में 13 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ 19 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक आवेदन करेंगे। BCA, BSc, IT, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस तृतीय वर्ष, शुल्क की जो राशि दी गई है 610 रुपये निर्धारित की गई है और ये भी 31 दिसंबर 2020 से 12 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। 60 रुपये विलंब शुल्क के साथ में 13 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। और इसी के साथ में परीक्षा शुल्क बराबर विलंब शुल्क के साथ 19 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे।
उपरोक्त वर्णित सभी परीक्षाओं 2 से लेकर 4 की प्रिंटेड हार्ड कॉपी जमा कराने का स्थान एवं तिथि। तो विद्यार्थियों को आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करानी होगी। तो इसके संदर्भ में हमें संबंधित महाविद्यालयों में 21 जनवरी 2021 तक जमा करा सकते हैं। विश्वविद्यालय कार्यालय में 28 जनवरी 2021 संबंधित महाविद्यालय में अग्रेषित करवाकर जमा करा सकते हैं। महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रिंटेड हार्ड कॉपी जमा कराने की अंतिम तिथि है 25 जनवरी 2021। नोट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके संदर्भ में भी हम यहां जानकारी लेंगे। जो अभ्यर्थी अनिवार्य विषय अथवा विषयों में पाठ तृतीय की परीक्षा के साथ अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क की राशि ₹610 उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त जमा करानी होगी। परीक्षा परिणाम में देरी के कारण जो अभ्यर्थी पूरक परीक्षा योग्य घोषित होते हैं, ऐसे अभ्यर्थी परिणाम घोषित होने के 10 दिवस में किंतु परीक्षा आरंभ होने की तिथि से पूर्व बिना विलंब शुल्क के आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को छपे हुए प्री प्रिंटेड आवेदन पत्र मैनुअली ऑफलाइन प्रक्रिया से विश्वविद्यालय कार्यालय में उपस्थित होकर भरने होंगे। वर्ष 2020 की पूरक परीक्षा हेतु अग्रलिखित प्रकार के छात्रों को भी परीक्षा में प्रविष्ट होने की विशेष अनुमति प्रदान की जाती है। ऐसे छात्र जिनका मुख्य परीक्षा 2019 का पुनर्मूल्यांकन परिणाम मुख्य परीक्षा 2020 के प्रारंभ होने की दिनांक के पश्चात घोषित हुआ है, वे पुनर्मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप अनुत्तीर्ण से पूरक घोषित हुए हैं, परंतु वे पूरक प्रश्न पत्र में मुख्य परीक्षा 2020 में प्रविष्ट नहीं हो पाए, उन्हें भी पूरक परीक्षा 2019 में प्रविष्ट होने के लिए परीक्षा 2019 के पुनर्मूल्यांकन की अंक तालिका की प्रति, पुनर्मूल्यांकन पत्र की छाया प्रति सहित प्रार्थना पत्र पूरक परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि छात्र अपनी पुनर्मूल्यांकन परिणाम की फोटो प्रति के साथ आवेदन नहीं करते हैं तो छात्रों का परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित छात्र का होगा। इन अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा हेतु छपे हुए आवेदन पत्र मैनुअली ऑफलाइन प्रक्रिया से विश्वविद्यालय कार्यालय में उपस्थित होकर भरने होंगे। तो इसके संदर्भ में 2019 में जो पूरक घोषित हुए थे परीक्षा परिणाम लेट आने के कारण, तो उन्हें भी यहां मौका दिया गया है। पूरक परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व जिन अभ्यर्थियों का पुनर्मूल्यांकन 2020 का परीक्षा परिणाम पूरक घोषित होता है तो वे पूरक परीक्षा हेतु योग्य होंगे, ऐसे अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वे अभ्यर्थी जिनका पुनर्मूल्यांकन 2020 का परिणाम पूरक परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि के पश्चात आया है, ऐसे अभ्यर्थी पूरक परीक्षा 2020 प्रारंभ होने से पूर्व 35 विश्वविद्यालय के परीक्षा अनुभाग से संपर्क कर अपना पूरक परीक्षा 2020 हेतु मैनुअली ऑफलाइन प्रक्रिया से फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करवाकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। संबंध महाविद्यालयों के सभी प्राचार्यों को इस विज्ञप्ति के माध्यम से यह भी सूचित किया जाता है कि यदि निश्चित दिनांक तक फॉर्म विश्वविद्यालय में प्रेषित नहीं किए जाते हैं या पात्रता नहीं होने पर भी परीक्षा फॉर्म प्रेषित किए जाते हैं तथा उन्हें परीक्षा में प्रविष्ट करवा दिया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य एवं छात्र की होगी। निर्धारित दिनांक के बाद भेजे गए परीक्षा फॉर्मों के लिए कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो सूचनाएं थी उनके संदर्भ में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2020 से सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2020 के फॉर्म भरने प्रारंभ हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है 12 जनवरी 2021। ₹60 विलंब शुल्क के साथ हम 13 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे और परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ हम 19 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकेंगे। जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा।
तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे आरबीएसई विद एचएसएम के साथ। जय हिंद, जय भारत।